है। करीबन 2 साल पहले मुझे सिर्फ इस कहानी की कुछ झटकियां याद थी, मेनी याद थी, काबुली वाला याद था, लेकिन मन हुआ कि इस कहानी को दोबारा पढ़ा जाए। मैंने इंटरनेट खंगाला और ये कहानी निकाली, इस कहानी को पढ़ा। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले एक विनम्र प्रार्थना आप सबसे है कि इस दौरान, ये 7-8 मिनट की कहानी है, तो इस दौरान आप कृपया बातचीत ना करें, कोई मोबाइल ना बजे और ध्यान से सुने। मैं कहानी शुरू करता हूँ। थोड़ी देर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन सुबह सुबह आई और बोली, बाबूजी वो रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौवा कहता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात शुरू कर दी, बाबूजी वो भोला यूं कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, उससे वर्षा होती है, भोला को भी कुछ नहीं पता। और इतना कह करके वो खेल में लग गए। मेरा घर सड़क के किनारे पर है, तो एक दिन मैं अपने कमरे में बस ऐसे ही बैठा था, कुछ काम कर रहा था, तभी मीनी उठी और भाग करके खिड़की के पास गई और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैंने उठकर देखा तो कांधे पर मेवों की छोरी लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबे से कद का काबुली धीरे धीरे सड़क पर चला जा रहा था। वो जैसे ही मकान के पास आने लगा, मेरी जान बचा करके भीतर भाग गई। उसको डर था कि कहीं काबुली उसको पकड़ ना ले जाए। काबुली आया, उसने मुझे सलाम किया और मैंने उसने कुछ सोडा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब आपकी वो बेटी नहीं दिखाई दे रही। अब मीनी के मन से डर दूर करने के लिए मैंने मीनी को बुला लिया और मीनी आकर के मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली ने उसे कुछ बादाम किशमिश देना चाहा, पर मीनी ने नहीं लिया। तो इस तरीके से काबुली और मीनी का पहला परिचय हुआ। एक रोज मैं किसी काम से बाहर जा रहा था मुझे, तो जैसे ही अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि काबुली और मीनी आपस में खूब बात कर रहे हैं। मीनी बड़े जोर जोर से हंस के काबुली को अपनी बातें बता रही है और काबुली भी मुस्कुराता हुआ उसकी बातों को सुन रहा है। मीनी की छोरी में मेरे बादाम किशमिश भरे थे। अब यह सब देखकर मैं काबुली के पास गया, मैंने अपनी जेब से अठन्नी निकाली और उसको कहा, काबुली वाले इतना सब कुछ क्यों दे दिया इसे, ये तो 50 पैसे उड़ा के से मत देना। ये कहकर मैं तो बाहर निकल गया, लेकिन थोड़ी देर और काबुली और मीनी ऐसे ही बातचीत करते रहे। और जब काबुली गया तो वो अठन्नी वापस से मीनी की छोरी में डालता हुआ चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि मीनी की मां काबुली से अठन्नी वापस लेने के कारण उसे खूब डांट फटकार रही। लेकिन अब तो काबुली रोज आने लगा और जब भी काबुली आता मेरी लड़की मीनी उसे हंस के पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले तुम्हारी छोली में क्या है। और काबुली भी हंस कर कहता, आती है आती। और काबुली फिर मीनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी। मीनी काबुली से उल्टा पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। इस पर काबुली बड़े जोर से घुसा तान के कहता, मारेगा ससुर को। और इसकी बातचीत पर मैंने खूब हंसा कर दी। सर्दियां खत्म होते ही काबुली को अपना देश जाना पड़ता था, लेकिन जाने से पहले उसे घर घर घूमना पड़ता, लोगों से पैसे वसूल करने पड़ते, लेकिन फिर भी रोज समय निकाल करके एक बार मीनी से मिलने जरूर आ जाया करता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, यूं ही कुछ काम कर रहा था, बाहर कुछ शोर शराबे की आवाजें आने लगी। मैंने उठकर देखा तो अपने उस काबुली को
दो पुलिस वाले बांधे लिए जा रहे थे, काबुली के कुर्ते पर खून के दाग थे और पुलिस वाले के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ काबुली से और कुछ आसपास के लोगों से पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने काबुली से चादर खरीदी थी, उसके कुछ पैसे बाकी थे। काबुली ने जब पैसे मांगे तो उसने वो पैसे देने से मना कर दिया, दोनों में बात बढ़ गई और इसीलिए काबुली ने छुरा खोक दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले, कहती हुई मिनी बाहर आई। मिनी को देखकर पहले तो काबुली वाला खुश हो गया। मिनी ने आते ही पूछा, काबुली वाले ससुराल जा रहे हो? इस पर काबुली ने मोटा घूंसा तान के कहा, वही जा रहा हूं, ससुराल जा रहा हूं, चलेगी। लेकिन काबुली को लगा कि मिनी उसके इस उत्तर से खुश नहीं हुई। उसने फिर से अपना मोटा घूंसा तान और बोला, हाथ बंधे हुए हैं मेरे, वरना मारता ससुर को। और यह कहकर काबुली वाला चला गया। काबुली को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया था और मिनी भी उसे भूल गई। आज मिनी का ब्याह है। मैं अपने कमरे में बैठा था, हिसाब किताब कर रहा था। मैंने देखा कि दरवाजे पर सलाम करके रहमत एक तरफ खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसको पहचान ही ना पाया, क्योंकि उसके हाथ में ना तो वो छोली थी ना उसके चेहरे पे वो खुशी थी। और ये ध्यान से देखा तो पहचान पाया कि ये तो काबुली है। मैंने पूछा, अरे रहमत कब आए? कल इस शाम को जेल से छूटा, उसने कहा। मैंने कहा कि आज मेरे घर पे कुछ जरूरी काम है तो फिर आ जाएगा। ये बात सुनकर के वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे से वापस मुड़ा और बोला, बाबू साहब वो जरा बच्ची को नहीं देख सकता क्या? काबुली को ऐसा लगा कि जैसे मिनी अभी भी उतने ही बच्ची होगी, ऐसे ही हस्ती खिलखिलाती काबुली वाले हो काबुली वाले करते हुए उसके पास आएगी, उससे लिपट जाएगी। लेकिन मुझे कहना पड़ा कि नहीं, आज तो नहीं, फिर कभी आएंगे तो मिला दूंगा। काबुली परेशान सा होकर के दरवाजे के बाहर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं कि ना बुलाऊं। इतने में वो खुद आया और बोला, बाबू साहब वो थोड़े मेवे लाया था बच्ची के लिए, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे तो उसने कहा, पैसे रहने दीजिए बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए, मैं सोता पैसे नहीं आता, आपकी बच्ची के जैसे मेरी भी एक बच्ची है, इसलिए मैं यहां पर आ जाया करता, सोता बेचने बिल्कुल नहीं आता, सोता बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने अपने मैले कुचैले कुर्ते की जेब से एक फटा पुराना कागज का टुकड़ा निकालकर मेरे सामने की मेज पर रख दिया। उस कागज पर मैंने देखा कि नन्हे से हाथ की एक छाप थी। नन्हे से हाथ पर कालिक लगाकर उस कागज के टुकड़े पर वो छाप ले ली गई थी। हर साल अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर काबुली कलकत्ते के गली कूचों में घूमा करता था। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसी वक्त मीनू को बाहर बुलाया। विवाह की पोशाक पहने गहनों से सजी मीनी
आकर के मेरे साथ खड़ी हो गई। पहले तो मीने को देख करके काबुली सपका सा गया, फिर अचानक बोला, लल्ली सास निकल जा रही है क्या? हाँ। अब मीनी सांस का मतलब समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मीनी के जाने के बाद रहमत काबुली एक गहरी सी सांस भरकर जमीन पर बैठ गया। उसको लगा कि इन 8 सालों में उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा किसको पता। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और काबुली को दिए और कहा, रहमत अपनी बेटी के पास अपने देश चला जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी काबुली वाला।